ये है जी चूने की भट्टी जहाँ पे चूना तैयार किया जाता है। ठीक है, बड़ी मेहनत का काम है, बड़ा मुश्किल काम है, खासतौर गर्मियों में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि तपश होती है, आग है। ठीक है, तपश बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें जी, ये है सारा इनका गैस और बॉइलिंग पॉइंट, और ये है वो पत्थर जिससे चूना तैयार किया जाता है, देख लें। ठीक है, ये अभी पत्थर जो है ये इकट्ठे किए जा रहे हैं रेड़ियों पे, ये लिफ्टर मशीनें हैं, ये लिफ्टर में ये सारे पत्थर डालेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर जाके फिर ये पत्थर से चूने की शेप दी जाएगी इनको, ये देख सकते हैं। जितने भी पत्थर हैं इनको ऊपर लेके जाएगा, फिर ऊपर इनको इनकी जो बॉइलिंग मशीन है इनकी, ये सारा सिस्टम इसमें इनको चूने की शेप दी जाएगी। ये मजदूर लगे हुए हैं काम करने में। प्लांट ये है जी, चूने की भट्टी का प्लांट जिसमें इन पत्थरों को चूने की शेप दी जाती है, चूना बनाया जाता है। आप लोग यकीन माने कि सर्दियों का मौसम है, हम काफ़ी डिस्टेंस पे, कम से कम 20-30 मीटर हम दूर खड़े हैं, तो यहाँ पे भी ये जो इनकी बॉइलिंग मशीनें हैं, जो प्लांट है, इसकी इतनी तपस्या के सही महसूस हो रही है। और जब जून जुलाई का महीना हो गर्मियों में और दिन का टाइम हो, ऊपर से सूरज की तपश और उसके बाद इस ये जो इनका प्लांट है इसकी तपश, मैं कहता हूँ इन मज़दूरों की हिम्मत है। ये जो काम पे करते हैं यहाँ पर रोज़ी कमाते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है ये। ये इधर से चूना तैयार होकर निकलेगा, ठीक है, फिर इधर से चूने को ये बोरियां जो होती हैं तरोड़े उनमें फिल करते हैं। ये देखें, ये इधर से चूना तैयार होकर निकलेगा। अभी जो चूना तैयार हो क्या आ रहा है उसमें जो पत्थर बच जाते हैं ना, कच्चा पक्का पत्थर और पक्का, ये वो अलग कर रहे हैं। ये अभी पत्थर है, इसको दोबारा इधर मशीन में बॉइलिंग पॉइंट में डाला जाएगा, ये दोबारा चूना तैयार होकर निकलेगा। इसका बदल किया जाएगा, उसके बाद की फिटिंग होगी।
नजर किया जा रहा है जी।